नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्वेलरी मार्ट में। मेरे इस चैनल में आपको गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के बहुत सारे डिजाइन्स देखने को मिलेंगे और ज्वेलरी से रिलेटेड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस भी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आप देखेंगे मंगलसूत्र पेंडेंट्स के डिजाइन जो कि बिल्कुल नए डिजाइन्स हैं और इनकी जो रेंज है यानी वजन जो है 5 ग्राम से लेकर के 7 ग्राम के बीच में है और बहुत ही सुंदर डिजाइन्स हैं। तो देखिए, पहला डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये डबल कुंडा पेंडेंट्स होते हैं। मंगलसूत्र के जितने भी पेंडेंट होते हैं सब में डबल कुंडा लगा हुआ होता है और इस पेंडेंट को आप देखिए, इसमें देखिए हल्का हल्का कलर का वर्क किया हुआ है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे पूरी डाई की लाइन है और नीचे पटा चैन की लटकन है। पटा चैन मतलब जो है चैन का नाम होता है और उसके बाद जो है नीचे आप देखेंगे तो डाई की लटकन लगी हुई है। इस पर हल्की हल्की सिलाई करी हुई है, देखिए जब इसको हल्का हल्का हिलाते हैं तो देखिए कितनी अच्छी सिलाई की चमक आती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी हॉलमार्क पास नहीं करवाया क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी आई हुई है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी सारी एक्टिविटीज़ बंद हैं तो अभी हॉलमार्क पास नहीं हुआ है। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब इसमें मैं हॉलमार्क इसको पास करवाऊँगा, लेकिन ये 22 कैरेट 916 प्योरिटी की आइटम है। जितने भी आप देख रहे हैं, वेट मैं चेक करा देता हूँ इस पेंडेंट का। देखिए इसका वेट है 5 ग्राम 600 मिलीग्राम और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 30,268 रुपये और यहाँ जो प्राइस का कैलकुलेशन किया है वो मैंने एक एवरेज रेट 47,000 रुपीज़ के हिसाब से किया है। एवरेज रेट का मतलब ये है कि देखिए रेट जो होता है गोल्ड का ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने आपको बताया कि गोल्ड का रेट जितनी जल्दी बदलता है शायद ही कोई चीज़ चेंज होती हो, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट रेट आपको देना बड़ा मुश्किल है। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड होता है जिससे कि आप एक आइडिया लग जाता है कि अगर इतने का इतना गोल्ड रेट है तो इस सामान की कीमत कितनी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं आपको रेट बताता हूँ। तो ये डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन में बिल्कुल भी कलर नहीं है और हल्का सा राउंड शेप में है और इसमें भी सेम पटा चैन की लटकन लगी हुई है और ये पटा चैन जो लटकन होती है डबल पटा बोलते हैं इसको और ये काफ़ी मजबूत होती है और चेन के मुकाबले इसमें मजबूती ज़्यादा होती है और देखने में सुंदर भी बहुत लगती है और नीचे डाई की लटकन लगी हुई है, कोई भी मीना नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। देखिए ये सभी ठोस पीस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावट नहीं है, मीडियम फ्लावट को बना रख करके बनाया गया है ताकि इसकी मजबूती में कोई इसमें असर ना आए। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 22 कैरेट का गोल्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो इसका जो वेट है वो है 5 ग्राम 860 मिलीग्राम है और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 31,673 रुपये। ये प्लेन ज्वेलरी भी बहुत सुंदर लगती है और ज़रूरी नहीं है कि इसमें मीना या कलर रहे तभी वो अच्छी लगेगी, अगर बनावट अच्छी है तो ज़रूर सुंदर लगती है। तो अगला डिजाइन देख लीजिए, ये डिज़ाइन देखिए बिल्कुल अलग हट करके है, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल नीचे से राउंड शेप दिया हुआ है और ऊपर दो साइड में इसको जो है खाली भी दिख रहा है आपको, ये बीच में उसमें उठाव है यानी टो दिया हुआ है और बीच में सबसे नीचे देखेंगे आप तो बिंदी की शेप में एक छन्नी जैसा डिज़ाइन यानी कि जाली वाला डिज़ाइन भी आपको दिख रहा होगा। और तो ये जो डिज़ाइन मैं दिखा रहा हूँ, जो जाली वाला डिज़ाइन है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और कोई सेट हो, कोई भी डिज़ाइन हो तो इसमें कारीगर क्या करता है, इसको कहीं ना कहीं इसका टच देता है और छोटा छोटा जो है पीस बना करके इसको लगा देता है तो इससे बहुत सुंदर लगता है देखने में। मंगलसूत्र पेंडेंट जब भी आप खरीदें तो थोड़ा एक चीज़ और ध्यान रखें, जो इसका ऊपर का कुंडा होता है वो थोड़ा सा मजबूत रहे, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि सारा गोल्ड का वेट कुंडे में ही चला जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका वेट देखिए 7 ग्राम 300 मिलीग्राम है और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 39,456 रुपये। माला तो देखिए आप अपने मनपसंद लगवा सकते हैं, चाहे गोल्ड की लगवाएं, चाहे धागे वाली लगवाएं,